लाइट का स्विच कहाँ है? वेयर इज़ द लाइट स्विच? लाइट का स्विच कहाँ है? वेयर इज़ द लाइट स्विच? ऑफिस से निकल गए क्या? हैव यू लेफ्ट द ऑफिस येट? ऑफिस से निकल गए क्या? हैव यू लेफ्ट द ऑफिस येट? अभी फ़ोन रखो, निकलता हूँ आधे घंटे में। हैंग अप नाउ, आई विल हैव इन हाफ एन आवर। अभी फ़ोन रखो, निकलता हूँ आधे घंटे में। हैंग अप नाउ, आई विल लीव इन हाफ एन आवर। रुमाल लगा कर छींको, स्नीज इन टू योर हैंकी। रुमाल लगा कर छींको, स्नीज इन टू योर हैंकी। अपनी नाक अच्छे से पोंछो, गिव योर नोज़ अ गुड वाइब। अपनी नाक अच्छे से पोंछो, गिव योर नोज़ अ गुड वाइब। शायद यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, प्रोबेबली यू कान्ट डू इट। शायद यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, प्रोबेबली यू कान्ट डू इट। मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। हल्के चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। वॉक स्लोली लिस्ट यू शुड फॉल। हल्के चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। वॉक स्लोली लिस्ट यू शुड फॉल। अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की तो, वॉट इफ़ आई डू नॉट हेल्प यू। अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की तो, वॉट इफ़ आई डू नॉट हेल्प यू। असल में उसे सब पता था, एक्चुअली ही न्यू एवरीथिंग। असल में उसे सब पता था, एक्चुअली ही न्यू एवरीथिंग। सच कहूँ तो वह तुम्हें गाली दे रहा था, टू बी ऑनेस्ट ही वॉज एब्यूजिंग यू। सच कहूँ तो वह तुम्हें गाली दे रहा था, टू बी ऑनेस्ट ही वॉज एब्यूजिंग यू। लिख कर ले लो, वह कभी नहीं बदलेगा। मार्क माई वर्ड्स, ही विल नेवर चेंज। लिख कर ले लो, वह कभी नहीं बदलेगा। मार्क माई वर्ड्स, ही विल नेवर चेंज। बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। इट इज़ इनाफ, नाउ कीप क्वाइट। बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। इट इज़ इनाफ, नाउ कीप क्वाइट। अगर मैं तुम्हारे साथ काम करूं तो चलेगा क्या? इज़ इट ओके इफ़ आई वर्क विथ यू। अगर मैं तुम्हारे साथ काम करूं तो चलेगा क्या? इज़ इट ओके इफ़ आई वर्क विथ यू। हमें क्या पढ़ाया जाता था? व्हाट वर वी टॉट। हमें क्या पढ़ाया जाता था? व्हाट वर वी टॉट। तुम क्या करोगे जानकर? व्हाट विल यू डू आफ्टर नोइंग। तुम क्या करोगे जानकर? व्हाट विल यू डू आफ्टर नोइंग। क्या आप मुझे अच्छे से नहीं समझाओगे? वॉन्ट यू एक्सप्लेन इट टू मी बेटर। क्या आप मुझे अच्छे से नहीं समझाओगे? वॉन्ट यू एक्सप्लेन इट टू मी बेटर। उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, ही इज़ बैडली हर्ट। उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, ही इज़ बैडली हर्ट। वहाँ तुम्हें एक लंबे बालों वाला आदमी मिलेगा, यू विल सी अ लॉन्ग हेयर्ड मैन देयर। वहाँ तुम्हें एक लंबे बालों वाला आदमी मिलेगा, यू विल सी अ लॉन्ग हेयर्ड मैन देयर। तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए, यू केम हेयर इन द निक ऑफ टाइम। तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए, यू केम हेयर इन द निक ऑफ टाइम। मैं परीक्षा पास नहीं कर सका, हालांकि मैंने कड़ी मेहनत की थी। आई कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, ऑल्दो आई वर्कड हार्ड। मैं परीक्षा पास नहीं कर सका, हालांकि मैंने कड़ी मेहनत की थी। आई कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, ऑल्दो आई वर्कड हार्ड। मुझे यह इतना फिट नहीं हो रहा है, आई कांट फाइंड इट सो फिटिंग। मुझे यह इतना फिट नहीं हो रहा है, आई कांट फाइंड इट सो फिटिंग। अपने तक रखो यह बात, किसी को भी मत बताना। कीप इट टू योर सेल्फ, डोंट टेल एनी वन। अपने तक रखो यह बात, किसी को भी मत बताना। कीप इट टू योर सेल्फ, डोंट टेल एनी वन। क्या तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा? डू यू हैव टू से इट सेपरेटली। क्या तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा? डू यू हैव टू से इट सेपरेटली। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, ग्रेजुअली पीपल आर बिकमिंग अवेयर। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, ग्रेजुअली पीपल आर बिकमिंग अवेयर। मानना पड़ेगा, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आई हैव टू एडमिट योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड। मानना पड़ेगा, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है,
आई हैव टू एडमिट योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड। पड़ोसियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ माई नेबर्स। पड़ोसियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ माई नेबर्स। यह मत सोचना कि तुम में कोई कमी है। डोंट थिंक यू आर एनी लेस। यह मत सोचना कि तुम में कोई कमी है। डोंट थिंक यू आर एनी लेस। मैं तुम्हें हफ्ते भर से ढूंढ रहा हूँ। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू ऑल वीक। मैं तुम्हें हफ्ते भर से ढूंढ रहा हूँ। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू ऑल वीक। वह घंटे भर से बच्चे को सुलाने का प्रयत्न कर रही है। शी हैज़ बीन ट्राइंग टू पुट द बेबी टू स्लीप फॉर एन आवर। वह घंटे भर से बच्चे को सुलाने का प्रयत्न कर रही है। शी हैज़ बीन ट्राइंग टू पुट द बेबी टू स्लीप फॉर एन आवर। मैंने अब तक अपना काम नहीं किया है। आई हैव नॉट डन माई वर्क टिल नाउ। मैंने अब तक अपना काम नहीं किया है। आई हैव नॉट डन माई वर्क टिल नाउ। तुम्हें कल प्रिंसिपल से मिलना पड़ सकता है। यू मे हैव टू मीट द प्रिंसिपल टुमारो। तुम्हें कल प्रिंसिपल से मिलना पड़ सकता है। यू मे हैव टू मीट द प्रिंसिपल टुमारो। मेरे प्रिंसिपल ने मेरी फीस माफ़ कर दी। माय प्रिंसिपल ग्रांटेड मी अ फुल फी कंसेशन। मेरे प्रिंसिपल ने मेरी फीस माफ़ कर दी। माय प्रिंसिपल ग्रांटेड मी अ फुल फी कंसेशन। तुम क्या अभी सो जाओगे? विल यू स्लीप नाउ। तुम क्या अभी सो जाओगे? विल यू स्लीप नाउ। यह काम करना मेरी मजबूरी है। इट्स माई कंपल्सन टू डू दिस वर्क। यह काम करना मेरी मजबूरी है। इट्स माई कंपल्सन टू डू दिस वर्क। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इट शुड नॉट हैपन। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इट शुड नॉट हैपन। क्या तुम एक मिनट होल्ड कर सकते हो? कैन यू होल्ड फॉर अ मिनट। क्या तुम एक मिनट होल्ड कर सकते हो? कैन यू होल्ड फॉर अ मिनट। वह तुम्हारी तारीफ कर रहा था। ही वॉज प्रेजिंग यू। वह तुम्हारी तारीफ कर रहा था। ही वॉज प्रेजिंग यू। मुझे जागते रहने के लिए शायद और चाय पीनी पड़ेगी। इन ऑर्डर टू स्टे अवेक आई मे हैव टू टेक मोर टी। मुझे जागते रहने के लिए शायद और चाय पीनी पड़ेगी। इन ऑर्डर टू स्टे अवेक आई मे हैव टू टेक मोर टी। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें ताना नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट टॉन्टिंग यू। मैं तुम्हें ताना नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट टॉन्टिंग यू। मुझे टेबल के नीचे एक 5 रुपए का नोट मिला। आई हैव फाउंड अ 5 रुपी नोट अंडर द टेबल। मुझे टेबल के नीचे एक 5 रुपए का नोट मिला। आई हैव फाउंड अ 5 रुपी नोट अंडर द टेबल। मैंने उसकी अनुमति ली है। आई हैव टेकन हिज परमिशन। मैंने उसकी अनुमति ली है। आई हैव टेकन हिज परमिशन। मैं पानी के बिना इन गोलियों को निगल नहीं सकती। I can't swallow these tablets without a drink of water. मैं पानी के बिना इन गोलियों को निगल नहीं सकती। I can't swallow these tablets without a drink of water. इतना दयालु होना उसके लिए सही नहीं है। It is not right of him to be so kind. इतना दयालु होना उसके लिए सही नहीं है। It is not right of him to be so kind. ये सवाल मेरी समझ के बाहर है। This question is beyond my understanding. ये सवाल मेरी समझ के बाहर है। This question is beyond my understanding. इसी बहाने हम तुम्हारा घर भी देख लेंगे। On this pretext, we will see your home as well. इसी बहाने हम तुम्हारा घर भी देख लेंगे। On this pretext, we will see your home as well. वो किसी की जरा सी भी इज्जत नहीं करती है। She does not respect anyone whatsoever. वो किसी की जरा सी भी इज्जत नहीं करती है। शी डज नॉट रिस्पेक्ट एनी वन वर्ड्स एवर। आपकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट यू। आपकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट यू। क्या तुम मुझे घर ले जाओगे? विल यू टेक मी होम। क्या तुम मुझे घर ले जाओगे? विल यू टेक मी होम। मैंने अपना घर पेंट करवाया।
आई हैड माई हाउस पेंटेड, मैंने अपना घर पेंट करवाया। आई हैड माई हाउस पेंटेड, कहाँ से सीखते हो ये सब? वेयर डू यू गेट सच आइडियाज, कहाँ से सीखते हो ये सब? वेयर डू यू गेट सच आइडियाज, तुम बस अपना काम करते जाओ। यू जस्ट कीप डूइंग योर जॉब, तुम बस अपना काम करते जाओ। यू जस्ट कीप डूइंग योर जॉब, सॉल्यूशन खुद ब खुद निकल जाएगा। द सॉल्यूशन विल फाइंड इट्स वे, सॉल्यूशन खुद ब खुद निकल जाएगा। द सॉल्यूशन विल फाइंड इट्स वे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई कांट थिंक ऑफ एनी थिंग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई कांट थिंक ऑफ एनी थिंग, चलो कुछ सोचते हैं। लेट्स जस्ट थिंक ऑफ समथिंग, चलो कुछ सोचते हैं। लेट्स जस्ट थिंक ऑफ समथिंग, यही तो मैं कह रहा हूँ। डैट्स वॉट आई एम सेइंग, यही तो मैं कह रहा हूँ। डैट्स वॉट आई एम सेइंग, तुम मेरे सबसे छोटे भाई हो। यू आर माई यंगेस्ट ब्रदर, तुम मेरे सबसे छोटे भाई हो। यू आर माई यंगेस्ट ब्रदर, अब तुम जाओ, मुझे कुछ काम है। यू मे गो नाउ, आई हैव सम वर्क टू डू, अब तुम जाओ, मुझे कुछ काम है। यू मे गो नाउ, आई हैव सम वर्क टू डू, आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं? वॉट आर यू रीडिंग दीज डेज, आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं? वॉट आर यू रीडिंग दीज डेज, तुमने मेरी बहुत मदद की है। यू हैव हेल्प्ड मी अलॉट, तुमने मेरी बहुत मदद की है। यू हैव हेल्प्ड मी अलॉट, बच्चे रविवार के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। चिल्ड्रेन ऑलवेज लुक फॉरवर्ड संडे, बच्चे रविवार के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। चिल्ड्रेन ऑलवेज लुक फॉरवर्ड संडे, जल्दी से लेटर पढ़ो और सबको बताओ। लुक ओवर द लेटर एंड टेल एवरीवन, जल्दी से लेटर पढ़ो और सबको बताओ। लुक ओवर द लेटर एंड टेल एवरीवन, एग्ज़ाम से पहले जल्दी से किताब पढ़ लो। लुक ओवर द बुक बिफोर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले जल्दी से किताब पढ़ लो। लुक ओवर द बुक बिफोर द एग्ज़ाम, अब वह मुझसे बात नहीं करती है। शी नो लॉन्गर टॉक्स टू मी, अब वह मुझसे बात नहीं करती है। शी नो लॉन्गर टॉक्स टू मी, मैं तुम्हें पेन से लिखने नहीं दे सकता। आई कांट लेट यू राइट विथ अ पेन, मैं तुम्हें पेन से लिखने नहीं दे सकता। आई कांट लेट यू राइट विथ अ पेन, मैंने उसे एक नज़र में पहचान लिया। आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट अ ग्लांस, मैंने उसे एक नज़र में पहचान लिया। आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट अ ग्लांस, उसे मुंह बंद करने को कहो। टेल हिम टू शट अप, उसे मुंह बंद करने को कहो। टेल हिम टू शट अप, अब बात को ज़्यादा बढ़ाओ मत। डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, अब बात को ज़्यादा बढ़ाओ मत। डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, हो सके तो थोड़ा आराम कर लो। इफ़ पॉसिबल टेक सम रेस्ट, हो सके तो थोड़ा आराम कर लो। इफ़ पॉसिबल टेक सम रेस्ट, इस रकम को मेरे नाम से जमा कर दें। प्लीज़ क्रेडिट इट टू माई अकाउंट, इस रकम को मेरे नाम से जमा कर दें। प्लीज़ क्रेडिट इट टू माई अकाउंट, वह नामी लेखक है। ही इज़ फेमस ऑथर, वह नामी लेखक है। ही इज़ फेमस ऑथर, उसको हमारी बातचीत की भनक लग गई है। शी हैज़ गॉट विंड ऑफ आवर कन्वर्सेशन, उसको हमारी बातचीत की भनक लग गई है। शी हैज़ गॉट विंड ऑफ आवर कन्वर्सेशन, मैंने काम अभी तक पूरा नहीं किया। आई हैवन्ट डन वर्क एज ऑफ नाउ, मैंने काम अभी तक पूरा नहीं किया। आई हैवन्ट डन वर्क एज ऑफ नाउ, हम अभी तक बात नहीं कर पाए। वी हैवन्ट टॉक्ड एज ऑफ नाउ, हम अभी तक बात नहीं कर पाए। वी हैवन्ट टॉक्ड एज ऑफ नाउ, क्या तुम यह गेम खेलने के लिए मरे जा रहे हो? आर यू डाइंग टू प्ले दिस गेम, क्या तुम यह गेम खेलने के लिए मरे जा रहे हो? आर यू डाइंग टू प्ले दिस गेम, तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। योर फेस रिमाइंड मी ऑफ समवन, तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। योर फेस रिमाइंड मी ऑफ समवन, मुझे पता है तुम खुश होने का नाटक कर रहे हो। आई नो यू आर प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी,
मुझे पता है तुम खुश होने का नाटक कर रहे हो। आई नो यू आर प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी। उसे 4 बजे तक खाना बना लेना चाहिए। शी शुड फिनिश कुकिंग एट 4 o'clock। उसे 4 बजे तक खाना बना लेना चाहिए। शी शुड फिनिश कुकिंग एट 4 o'clock। क्या उसे अकेले गाना गाने का मन करता है? डज ही फील लाइक सिंगिंग अलोन। क्या उसे अकेले गाना गाने का मन करता है? डज ही फील लाइक सिंगिंग अलोन। आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। यू शुड कीप प्रैक्टिसिंग। आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। यू शुड कीप प्रैक्टिसिंग। मैं घर जाते समय कुछ किराने का सामान ले लूँगा। आई विल गेट सम ग्रॉसरीज ऑन माई वे होम। मैं घर जाते समय कुछ किराने का सामान ले लूँगा। आई विल गेट सम ग्रॉसरीज ऑन माई वे होम। आइए रात के खाने के लिए पिज्जा लें। लेट्स गेट अ पिज्जा फॉर डिनर। आइए रात के खाने के लिए पिज्जा लें। लेट्स गेट अ पिज्जा फॉर डिनर। मैं आमतौर पर अपना दिन शुरू करने के लिए जल्दी उठता हूँ। आई यूजअली वेक अप अर्ली टू स्टार्ट माई डे। मैं आमतौर पर अपना दिन शुरू करने के लिए जल्दी उठता हूँ। आई यूजअली वेक अप अर्ली टू स्टार्ट माई डे। सुना है तुम वहाँ जा रहे हो। हर्ड यू आर गोइंग देयर। सुना है तुम वहाँ जा रहे हो। हर्ड यू आर गोइंग देयर। शायद मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। परहैप्स आई वॉज अ लिटिल टू हार्ड ऑन हर। शायद मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही सुना लिया। Perhaps I was a little too hard on her. सबके लिए पानी ले आओ। Bring water for everyone. सबके लिए पानी ले आओ। Bring water for everyone. मैं तुम्हें यह करने नहीं दे सकता। I can't allow you to do that. मैं तुम्हें यह करने नहीं दे सकता। I can't allow you to do that. वो आपको फिर कभी फ़ोन करेगी। She will call you some other time. वो आपको फिर कभी फ़ोन करेगी। शी विल कॉल यू सम अदर टाइम। आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। आई डोंट फील लाइक गोइंग टू स्कूल टुडे। आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। आई डोंट फील लाइक गोइंग टू स्कूल टुडे। तुमने आज आने में बहुत देर लगा दी। यू टुक टू लॉन्ग टू कम टुडे। तुमने आज आने में बहुत देर लगा दी। यू टुक टू लॉन्ग टू कम टुडे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। आई कांट बिलीव माई आईज। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। आई कांट बिलीव माई आईज। सर्दियों में मैं 2 कंबल ओढ़कर सोता हूँ। ड्यूरिंग विंटर आई स्लीप विथ 2 blankets। सर्दियों में मैं 2 कंबल ओढ़कर सोता हूँ। ड्यूरिंग विंटर आई स्लीप विथ 2 blankets। उसकी आँखें खुशी से चमक रही थी। Her eyes were shining with joy. उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। Her eyes were shining with joy. मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। The guests are not ready to go. मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। The guests are not ready to go. वो तो पैसे लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा। He is not ready to return money. वो तो पैसे लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा। He is not ready to return money. मुझे धूम्रपान करने की आदत नहीं है। I am not in the habit of smoking. मुझे धूम्रपान करने की आदत नहीं है। I am not in the habit of smoking. मेरा दिन अच्छा गुजर रहा है। I am going through a good day. मेरा दिन अच्छा गुजर रहा है। I am going through a good day. मेट्रो से कभी जल्दबाजी में मत उतरा करो। Never get off the metro in a hurry. मेट्रो से कभी जल्दबाजी में मत उतरा करो। Never get off the metro in a hurry. मैं दावे से कहता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। I bet you are telling a lie. मैं दावे से कहता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। I bet you are telling a lie. मैं रविवार को भी काम करता हूँ। I work even on Sunday. मैं रविवार को भी काम करता हूँ। I work even on Sunday. यह बहुत समय पहले हुआ था। It happened a long time ago. यह बहुत समय पहले हुआ था। It happened a long time ago. पूरी रात बर्फबारी हो रही है। It's been snowing all night. पूरी रात बर्फबारी हो रही है। It's been snowing all night. हमें आखिरी बार मिले 10 साल हो चुकी हैं।
इट्स बीन 10 ईयर्स सिंस वी लास्ट मेट, हमें आखिरी बार मिले 10 साल हो चुकी हैं। इट्स बीन 10 ईयर्स सिंस वी लास्ट मेट, आपको उसे सच बताना चाहिए। यू शुड टेल हिम द ट्रूथ, आपको उसे सच बताना चाहिए। यू शुड टेल हिम द ट्रूथ, क्या तुम उसकी तरह तेज तैर सकते हो? कैन यू स्विम एज फास्ट एज ही, क्या तुम उसकी तरह तेज तैर सकते हो? कैन यू स्विम एज फास्ट एज ही, मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। आई पुट एवरीथिंग एट स्टेक, मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। आई पुट एवरीथिंग एट स्टेक, मैं इसे अपना काम चला लूँगा। आई विल मेक डू विथ इट, मैं इसे अपना काम चला लूँगा। आई विल मेक डू विथ इट, क्या आप 100 रुपये से काम चला लेंगे? विल यू मेक डू विथ 100 रुपीज, क्या आप 100 रुपये से काम चला लेंगे? विल यू मेक डू विथ 100 रुपीज, मैं जो भी कमाता हूँ खर्च कर देता हूँ। आई स्पेंड वॉट आई अर्न, मैं जो भी कमाता हूँ खर्च कर देता हूँ। आई स्पेंड वॉट आई अर्न, मैंने तुमसे ऐसा ही कहा। दिस इज़ वॉट आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे ऐसा ही कहा। दिस इज़ वॉट आई टोल्ड यू, मुझे मसालेदार खाने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ स्पाइसी फूड, मुझे मसालेदार खाने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ स्पाइसी फूड, आज आपने नाश्ते में क्या लिया? वॉट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट टूडे, आज आपने नाश्ते में क्या लिया? वॉट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट टूडे, मैं रात को खाना नहीं खाऊंगा। आई विल नॉट ईट डिनर एट नाइट, मैं रात को खाना नहीं खाऊंगा। आई विल नॉट ईट डिनर एट नाइट, थाली में खाना ना छोड़े। डू नॉट लीव फूड इन द प्लेट, थाली में खाना ना छोड़े। डू नॉट लीव फूड इन द प्लेट, मैंने हर बार कोशिश की है। आई हैव ट्राइड एवरी टाइम, मैंने हर बार कोशिश की है। आई हैव ट्राइड एवरी टाइम, उसे आप ही समझ सकते हो। ओनली यू कैन अंडरस्टैंड इट, उसे आप ही समझ सकते हो। ओनली यू कैन अंडरस्टैंड इट, दरवाजे के सहारे मत खड़े हो। डोंट स्टैंड अगेंस्ट द डोर, दरवाजे के सहारे मत खड़े हो। डोंट स्टैंड अगेंस्ट द डोर, आज तो बहुत सर्दी है। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज तो बहुत सर्दी है। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, समय मिले तो कॉल करना। कॉल इफ़ यू गेट टाइम, समय मिले तो कॉल करना। कॉल इफ़ यू गेट टाइम, उसे ज़रा भी अकल नहीं है। ही हैज़ नो सेंस एट ऑल, उसे ज़रा भी अकल नहीं है। ही हैज़ नो सेंस एट ऑल, इसका जवाब समय आने पर मिलेगा। द आंसर विल बी गिवन व्हेन द टाइम कम्स, इसका जवाब समय आने पर मिलेगा। द आंसर विल बी गिवन व्हेन द टाइम कम्स, पैसों के मामले में वह बहुत चालाक है। इन टर्म्स ऑफ मनी ही इज़ वेरी क्लेवर, पैसों के मामले में वह बहुत चालाक है। इन टर्म्स ऑफ मनी ही इज़ वेरी क्लेवर, केवल पैसे देने से काम नहीं चलेगा। जस्ट गिव मनी विल नॉट वर्क, केवल पैसे देने से काम नहीं चलेगा। जस्ट गिव मनी विल नॉट वर्क, मुझसे वादा करो तुम वहाँ नहीं जाओगे। प्रॉमिस मी यू विल नॉट गो देयर, मुझसे वादा करो तुम वहाँ नहीं जाओगे। प्रॉमिस मी यू विल नॉट गो देयर, बात यह है कि आज हम खेलेंगे। द थिंग इज़ दैट वी विल प्ले टूडे, बात यह है कि आज हम खेलेंगे। द थिंग इज़ दैट वी विल प्ले टूडे, मैंने उससे ये भी कहा कि कल रात तुमने मुझे कैसे फंसाने की कोशिश की थी। आई ऑल्सो टोल्ड हर हाउ यू ट्राइड टू ट्रैप मी यस्टरडे, मैंने उससे ये भी कहा कि कल रात तुमने मुझे कैसे फंसाने की कोशिश की थी। आई ऑल्सो टोल्ड हर हाउ यू ट्राइड टू ट्रैप मी यस्टरडे, उसकी हंसी रुकी नहीं रही थी। शी कुडेंट स्टॉप लाफिंग, उसकी हंसी रुकी नहीं रही थी। शी कुडेंट स्टॉप लाफिंग, मैं चाहता हूँ तुम उससे मिल लो। आई वॉन्ट यू टू मीट हर, मैं चाहता हूँ तुम उससे मिल लो। आई वॉन्ट यू टू मीट हर, उसके बाद जमकर पार्टी करेंगे। वी विल पार्टी हार्ड आफ्टर दैट, उसके बाद जमकर पार्टी करेंगे। वी विल पार्टी हार्ड आफ्टर दैट, तुम जाकर दरवाज़ा खोलो।
यू गो एंड ओपन द डोर, तुम जाकर दरवाज़ा खोलो। यू गो एंड ओपन द डोर, तुम अभी तक सो रही थी। वर यू स्टिल स्लीपिंग, तुम अभी तक सो रही थी। वर यू स्टिल स्लीपिंग, कल रात हम देर से सोए थे। वी स्लेप्ट लेट यस्टरडे, कल रात हम देर से सोए थे। वी स्लेप्ट लेट यस्टरडे, मैं हॉस्पिटल में थी। आई वॉज एट द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल में थी। आई वॉज एट द हॉस्पिटल, यहाँ से हिलना मत। डोंट मूव फ्रॉम हियर, यहाँ से हिलना मत। डोंट मूव फ्रॉम हियर, ये बताइए घर में सब कैसे हैं। टेल मी हाउज एवरी वन एट होम, ये बताइए घर में सब कैसे हैं। टेल मी हाउज एवरी वन एट होम, सीरियल वगैरह देखती है या नहीं। डू यू वॉच सीरियल और नॉट, सीरियल वगैरह देखती है या नहीं। डू यू वॉच सीरियल और नॉट, यहीं पास में एक बढ़िया सी होटल है। देर इज़ अ ग्रेट होटल नियर बाई, यहीं पास में एक बढ़िया सी होटल है। देर इज़ अ ग्रेट होटल नियर बाई, वहीं से खाना मंगवाएंगे, बहुत अच्छा होता है। वी विल ऑर्डर फूड फ्रॉम देयर, इट्स ग्रेट, वहीं से खाना मंगवाएंगे, बहुत अच्छा होता है। वी विल ऑर्डर फूड फ्रॉम देयर, इट्स ग्रेट, नहीं उन्हें बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता। नो ही डज नॉट लाइक फूड फ्रॉम द आउटसाइड, नहीं उन्हें बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता। नो ही डज नॉट लाइक फूड फ्रॉम द आउटसाइड, वो मुझसे मिलने तक नहीं आए। ही डिड नॉट इवन कम टू मीट मी, वो मुझसे मिलने तक नहीं आए। ही डिड नॉट इवन कम टू मीट मी, तुमने बाल कहाँ से कटवाए। फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द हेयर कट, तुमने बाल कहाँ से कटवाए। फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द हेयर कट, उसने तुमसे पैसे क्यों खर्च करवाए। वाई डिड ही मेक यू स्पेंड द मनी, उसने तुमसे पैसे क्यों खर्च करवाए। वाई डिड ही मेक यू स्पेंड द मनी, माफ़ करें मुझे आने में थोड़ा समय लग गया। सॉरी आई एम लेट, माफ़ करें मुझे आने में थोड़ा समय लग गया। सॉरी आई एम लेट, मैं यहाँ आते आते खो गया था। आई गॉट लॉस्ट वाइल कमिंग हियर, मैं यहाँ आते आते खो गया था। आई गॉट लॉस्ट वाइल कमिंग हियर, बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं मनाऊँगा। इट्स इनफ नाउ आई विल नॉट कन्विंस हर, बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं मनाऊँगा। इट्स इनफ नाउ आई विल नॉट कन्विंस हर, वह इस मोबाइल से काम चला लेगी। शी विल मेक डू विद दिस मोबाइल, वह इस मोबाइल से काम चला लेगी। शी विल मेक डू विद दिस मोबाइल, क्या तुम 100 रुपये से काम चला लोगे। विल यू मेक डू विद 100 रुपीज़, क्या तुम 100 रुपये से काम चला लोगे। विल यू मेक डू विद 100 रुपीज़, मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम अपोलोजाइजिंग बाई जॉइनिंग माई हैंड्स, मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम अपोलोजाइजिंग बाई जॉइनिंग माई हैंड्स, वो बेहोश हो गया है। ही हैज़ बिकम अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो गया है। ही हैज़ बिकम अनकॉन्शियस, रोटी को हल्का सा और सेक दो। बेक द चपाती अ लिटिल मोर, रोटी को हल्का सा और सेक दो। बेक द चपाती अ लिटिल मोर, अब तक तो उसने चाय बना ली होगी। शी मस्ट हैव मेड टी बाई नाउ, अब तक तो उसने चाय बना ली होगी। She must have made tea by now. तुम इतना ज़रूरी दिन कैसे भूल सकते हो। How can you forget such an important day? तुम इतना ज़रूरी दिन कैसे भूल सकते हो। How can you forget such an important day? जब तक मैं ना कहूँ कहीं मत जाना। Don't go anywhere until I tell you. जब तक मैं ना कहूँ कहीं मत जाना। Don't go anywhere until I tell you. कितने बजे तक तुम वहाँ पहुँच जाओगे। बाई वॉट टाइम विल यू रीच देयर, कितने बजे तक तुम वहाँ पहुँच जाओगे। बाई वॉट टाइम विल यू रीच देयर, मेरे लिए भी थोड़ा वक्त निकालो। मेक सम टाइम फॉर मी एज वेल, मेरे लिए भी थोड़ा वक्त निकालो। मेक सम टाइम फॉर मी एज वेल, उसने जानबूझकर तुम्हें दुख पहुँचाया है। ही नोइंगली हर्ट यू,
उसने जानबूझकर तुम्हें दुख पहुंचाया। ही नोइंगली हर्ट यू। धीरे धीरे मेरा सर दर्द कम हो रहा है। ग्रेजुअली माई हेडेक इज रिड्यूसिंग। धीरे धीरे मेरा सर दर्द कम हो रहा है। ग्रेजुअली माई हेडेक इज रिड्यूसिंग। मुझे ऐसा लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। इट सीम्स टू मी दैट समवन इज़ फॉलोइंग अस। मुझे ऐसा लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। इट सीम्स टू मी दैट समवन इज़ फॉलोइंग अस। मेरा मतलब तुम्हें नीचा दिखाने का नहीं था। आई डिड नॉट मीन टू एम्बैरस यू। मेरा मतलब तुम्हें नीचा दिखाने का नहीं था। आई डिड नॉट मीन टू एम्बैरस यू। तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है। योर टॉक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है। योर टॉक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। यू शुड कन्फेस योर फॉल्ट। तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। यू शुड कन्फेस योर फॉल्ट। ट्रांसलेट इट। मुझे प्यास लगी है। इसका आंसर आप कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।